बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में लास्ट में कुछ जॉब आई हुई थी, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, रिलीजियस टीचर, PF एंड DI, फायर फाइटर, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, MTD। और पाकिस्तान एयरफोर्स में बहसीयत एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, रिलीजियस टीचर, PF एंड D फाइटर। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 29th of March से 7th of April अभी तक जो है ना 2 दिन है, तो आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट कंप्यूटराइज होने की वजह से उम्मीदवारों को कंप्यूटर का बुनियादी इस्तेमाल जानना ज़रूरी है। मज़ीद मालूमात और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट विज़िट करें। उसके बाद अहल उम्मीदवार असल असनाद बशमूल डिटेल मार्कशीट, TMC, कौमी शनाख्ती कार्ड, स्मार्ट कार्ड और 4 अदद तस्दीक शुदा पासपोर्ट साइज तस्वीरों के हमराह दर्ज झैल किसी भी एक नज़दीक तरीन PF इंफॉर्मेशन एंड सेलेक्ट सेंटर पर रब्ता करें। और उसके बाद अब कौमियत जो है पाकिस्तान, मर्द, उम्र जो है वो 22 से 28 साल, 27 सितंबर 2021 तक, और कद जो है वो, हाइट जो है 163 से 188 सेंटीमीटर CM। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए नोट जो है इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, मजामीन में मास्टर, BS डिग्री होल्डर भी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अहल है। मैथ इंस्ट्रक्टर के लिए तलीमी काबिलियत जो है वो BS 4 ईयर, कम से कम 2.5 CGPA होना चाहिए या सेकंड डिवीजन। इसी तरह फिजिक्स है तो फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए सेम डिग्री जो है वो, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, बाकी कोई चीज़ें हैं। इब्तदाई रैंक और मुद्दत मुलाजमत जो है वो उम्मीदवार को दौरान तरबियत इब्तदाई रैंक चीफ, जबकि 1 साल सर्विस मुकम्मल होने के बाद असिस्टेंट वारंट ऑफिसर अनपेड के रैंक पर फायज किया जाएगा। ये तो इनका एक अपना क्राइटेरिया ना सेलेक्ट होने के बाद की बात है। रिलीजियस टीचर के लिए जो है वो 25 से 28 साल एज है, और रिक्वायरमेंट जो है वो एज की डिफरेंट है, बाकी हाइट जो है वो सेम है। इंटरमीडिएट पास और किसी तस्दीक शुदा अदारे से दर्स निज़ामी की फारग और फाजल संत। नोट, हाफज और कुर्राए हजरात को तरजीह दी जाएगी, जो हाफज होंगे या किरत वाले होंगे उनको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन का तरीकाकार है, रजिस्ट्रेशन कंप्यूटराइज टेस्ट होगा रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद जो है वो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए जहानत, नसाबी, अंग्रेजी, फिजिक्स, मैथ्स और पर्सनालिटी टेस्ट होगा, और रिलीजियस टीचर के लिए भी इसी तरह से। सिलेक्टेड सेंटर पर तिब्बी, ये तकरीबन सारी बात की बातें, जब आप जो एलिजिबल हो जाते हैं उसके बाद आप का टेस्ट जो होता है, उसके बाद ये सारे मराहिल हैं, ये जितने भी हैं। मेरिट के बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवार का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद ये जो है, ये चीज़ें बात की हैं, इसको मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। और PF एंड DI, इसके लिए एज जो है वो 16.5 से 22 साल, 14 जून 2021 तक, और हाइट जो है 178 से 188, नज़र जो है वो 6x6 होनी चाहिए। और इसमें मैट्रिक में कम से कम 60% नंबर के पास किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी कम से कम 33% नंबरों के साथ पास होंगे, अंग्रेजी में कम से कम जो है वो 47% नंबर हो। उम्मीदवार को ट्रेनिंग मुकम्मल करने पर एक्टिंग पेड कारपोल टेक्नीशियन का रैंक दिया जाएगा। और इसी तरह फायर फाइटर की बात करें तो इसमें 18 से 24 एज है, और हाइट जो है वो 168 से 188 सेंटीमीटर, नज़र वही है, बाकी चीज़ें भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 47% मुतलका। सिलेक्शन सेंटर पर फिजिकल टेस्ट भी होगा, जिसमें पुशअप 15, रीच अप 20 होंगे और चिन अप 3 शामिल होगा, और फिजिकल टेस्ट पास करना लाजमी होगा। फायर फाइटर के लिए LTV और HTV का लाइसेंस जो है लाजमी है। देन MTD आ गया, इसमें जो है वो 17.5 से 17 से लेके 22 साल बशमूल तारीख 14 जून तक, और इनके लिए भी जो है वो लाइसेंस रखने वाले हजरात को तरजीह दी जाएगी। और
का तो जो है हाइट है 188। मैट्रिक कम से कम 50% के साथ पास किया गया हो और अंग्रेजी में कम से कम 45% नंबर हो। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मंजूर शुदा दूर दराज पसमानदा देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले, उनके लिए 50% मार्क्स जो है ना वो कम से कम साइंस में मैट्रिक हो और 33% जो अंग्रेजी में मार्क्स हो। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इनसे 40% और 33% आ जाएगा अंग्रेजी में कम से कम 50% और अंग्रेजी में 40% जो है वो लाजमी नोट। ये उसके बाद इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार जिनके मैट्रिक या इंटरमीडिएट में अंग्रेजी में कम से कम 40% नंबर हो, वो PFND फायर फाइटर में रजिस्ट्रेशन करवाने के अहल होंगे। उसके बाद BAF हाजर सर्विस और रिटायर यूनिफॉर्म और सिविलियन खवातीन हजरात के बच्चे PF सर्टिफिकेट डिस्चार्ज बुक जमा करवाएंगे, जिनके जो है वो पेरेंट्स हाजर सर्विस हैं वो जो है ना उनकी डिटेल वगैरह से वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद ये डिफरेंट दी गई हैं चीज़ें, सिलेक्शन का तरीक़ाकार है, नाअहलियत, मुद्दत मुलाजमत और मुराद वगैरह इसमें जो भी हैं। और मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। ये आप गूगल पे डायरेक्ट जॉइन PAF लिखेंगे तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेट्स सी, ये यहाँ से आप ये नीचे दिया गया हुआ योर पैशन इज वेटिंग, यहाँ से क्लिक करेंगे और ये दो ऑप्शन है। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है टेक प्रिंट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना है रजिस्टर ऑनलाइन तो यहाँ पे आप कोई भी CNIC नंबर लिख दें, लिखने के बाद जो आपका होगा, मैं वैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये मेरा हाँ वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, मतलब कोई एरर आ गया, सपोज जो है वो यही CNIC कोई भी दे देता हूँ मैं। उसके बाद सबमिट करने के बाद आप लोगों ने ये अभी को वेबसाइट में प्रॉब्लम था, खैर ये यहाँ से ये देख लेंगे आ गया है। आपने रजिस्ट्रेशन से पहले इसको पढ़ लेना है, स्मार्ट कार्ड होना चाहिए और ये डुअल नेशनलिटी हैव टू सरेंडर देयर फॉरेन नेशनलिटी, एक जो डुअल नेशनलिटी जिसकी है वो उसको नेशनलिटी वो छोड़नी पड़ेगी दूसरी कंट्रीज की। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद जो है वो ये इंफॉर्मेशन आप पढ़ लें, उसके बाद ये नेक्स्ट है, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट ऑप्शन के बाद आगे जो डिटेल आती है उसको भी एक नज़र देख लें। आपने अप्लाई किसके लिए करना है वो देख लें, यहाँ से MTD है, MTD बलोच, जो भी आपने जो है ना जिसके लिए, फॉर एग्जांपल आपने करना है जी रिलीजियस टीचर है, या आपने PFND के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए भी करना है फॉर एग्जांपल इसके लिए, और यहाँ से आप इसको अप्लाई नाउ, या इंग्लिश के लिए आप कर रहे हैं तो यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दें। उसके बाद आगे आपके पास जिसके लिए भी आपने अप्लाई करना है यहाँ से वो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ से आ जाएगा, आपने सेलेक्ट सेंटर जो भी आपको लगता है करीबी वो आप करेंगे सेलेक्ट। उसके बाद आपने यहाँ से कैटेगरी आ जाएगी, जब आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे फैसलाबाद है या कोई भी है, उसके बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट कैटेगरी, देन सेलेक्ट ब्रांच आ जाएगी, वो ऑलरेडी जो है ना वो उन्होंने सेलेक्ट की हुई है। फुल नेम आपका आ जाएगा, वालिद का नाम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी, जेंडर जो भी है, हाइट जो है वो आपकी जितनी भी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। रिलीजियस आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस आ गया, मैरिड है सिंगल है, डोमिसाइल जो है वो पंजाब या जिस भी प्रोविंस का है, देन फादर ऑक्यूपेशन के फादर के बारे में सिलेक्ट प्रोविंस जो है आपका, एड्रेस आ जाएगा, तहसील, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद जो है ऐड क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो आप यहाँ से कब पास किया आपने, कितने मार्क्स थे, टोटल मार्क्स कितने हैं, आपने जो है अपटेन कितने किए, पासिंग ईयर्स है यूनिवर्सिटी,
उसके बाद सबमिट का ऑप्शन है और जनरेट स्लिप है। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास जो है ना वो जनरेट स्लिप का भी ऑप्शन आ जाएगा, आपकी स्लिप भी जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ ये जो है वो तरीक़ाकार है, वो यहाँ से आप अप्लाई इस तरह से कर सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो काइंडली ज़रूर कमेंट में आगाह करें, ताकि आप लोगों को जो है वो के बारे में बताया जाए। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।